अनंता अनंता कितनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, दुआएं हैं आपकी। और चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो व्लॉग स्टार्ट होता है नाश्ते से, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में है हलवा पूरी, अंडे, बन और ये चिकन पराठा मिलता है हमारी तरफ से, तो ये नहायत ही मज़े का होता है। तो ये स्पेशली मैंने फरमाइश की थी तो हस्बैंड ले आए थे, तो माशाल्लाह इसे हमने एंजॉय किया। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी नाश्ता हो रहा है और फिर जनाब टाइम हो जाना है सेंटर का, तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने मंगवा तो लिया ही, देखिए फिर मैंने इस तरह अंडा डाल के इसको मैंने खाया। नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होके फिर काम वगैरह किया मैंने। काम से फ़ारिग होके फिर सेंटर का टाइम हो गया, यहाँ पे मैं बच्चियों को सिखा रही हूँ और माशाल्लाह साथ साथ नाते भी लगी हुई थी और काम भी चल रहा था। ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट है और जो दोपहर वाली मेरी शिफ्ट थी तो उसमें थी पार्टी, तो उसमें भी मैंने बच्चियों को काम देखी, फिर हमने पार्टी इंजॉय की, बच्चियों को हमने काम वगैरह दिया और साथ साथ मैं भी अपना काम करती रही किचन का। और ये आज बच्चियों ने की थी पार्टी, तो सुबह की और दोपहर की शिफ्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर की, तो ये पार्टी शार्टी जो है ना ये दोपहर वाली स्टूडेंट्स ने की थी। तो बस सेंटर का काम इनको दे के और फिर यहाँ पे हमने अपनी पार्टी इंजॉय की, गोलगप्पे वगैरह और ये सब चीज़ें ले आए थे बच्चियाँ। तो फिर ये सब खा पी के एंजॉय करके सेंटर की भी हो गई थी छुट्टी और टाइम हो गया था बच्चों के मदरसे से आने का, तो अनमता लाई थी ये गिफ्ट मेरे लिए। जी बोले क्या बनाया है ये आपने? ओहो, आई लव माय फैमिली, ए ए आर आर और एस। अच्छा जी, और ये कौन है? अनमता है वैसे अच्छा लग रहा है अनमता। ये क्या है? टू 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 आपने बनाया है? तो अनमता को हमने अप्रिशिएट भी किया और ये मसाला बना लगा के मैंने रखा हुआ था फ़िश को, तो शाम में मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी। चाय और बिस्किट हमने कैंसिल कर दिए थे, हस्बैंड से मैंने कहा था कि आज हम फ़िश फ्राई कर लेंगे शाम में और चाय कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मज़ेदार सी फ़िश और ये नहायत ही मज़े की बनी थी, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी सारी ले आए थे तो मैंने कहा कि इसे खा पी के ख़त्म किया जाए। और मसाला तो मैंने सब एक ही साथ लगा के रख दिया था, बच्चे भी इतना नहीं खाते, तो ये है मैंने कहा शाम का टाइम है तो उसमें ज़रा अच्छा लगता है इस तरह। और ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और साथ साथ तिलावत भी लगी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में मैं तिलावत लगा के रखती हूँ और बड़ा अच्छा फील होता है उससे। तो बस यहाँ पे देखें ये फ़िश फ्राई हो रही है और हमारे मछली खाने का कोई टाइम नहीं, तो मछली खाने का मूड यूँ भी बन गया था कि हमने दोपहर का खाना कर दिया था स्किप, और क्योंकि थोड़ा रिफ़्रेशमेंट का सामान भी हमने खा लिया था, गोलगप्पे, दही बड़े, बर्गर वगैरह, बिरयानी, तो पेट तो तकरीबन भरा हुआ ही था। तो शाम में बस हल्का फुल्का सा मैंने कहा फ़िश फ्राई कर लेते हैं, तो ये नहायत ही मज़े की बनी थी, बहुत लजीज बनी थी। जैसे कि ये दिखने में लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़े की थी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही तो इसको देख के ही मेरे मुंह में आ गया है पानी और दिल कर रहा है दोबारा बनाऊँ। तो गर्मा गर्म मछली बड़ा मज़ा दे रही थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे और माशाल्लाह फिर खा पी के हस्बैंड चले गए थे और मैं बैठ गई ज़रा ये किसासु लंबिया पढ़ने में बैठ गई। तो अनमता आई और झट से ले उड़ी और इन्होंने कहा कि ये मुझे देते हैं आप, तो मैंने कहा चलें ये आप ले जाएं, मैं जाके मैं रेस्ट कर लेती हूँ। मैं जाके अपने कमरे में लेट गई थोड़ी देर, तो मुझे बिल्कुल सन्नाटा मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा कोई भी नहीं है तो चले मैं चेक करती हूँ जाके। यहाँ पर देखे मिट्टू सो रहा था,
काव मिले बेटे को मिट्टू सो रहे थे। अच्छा चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ मेरा बेटा। खैर मिट्टू की कर दी मैंने नींद ख़राब और मैंने कहा ज़रा मैं अपने तीन बंदर देख लूँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि किसासू लंबिया छोड़ के और ये देख रहे थे कार्टून और एकदम से इनको शॉक लगा कि मम्मा कहाँ से आ गए जबकि ये मुझसे बुक लेके गई थी और मुझे ऐसा लगा कि ये बुक पढ़ेंगे लेकिन ये फ़ौरन से लैपटॉप ओपन करके और अपने कार्टून देखने बैठ गए। बस फिर हमारा टाइम हो गया डिनर का, हस्बैंड भी आ गए, हमने डिनर कर लिया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए और सबके लिए कहवा और ये नहायती अच्छा होता है। तो मैंने हस्बैंड का दिल था कि दूध वाली चाय पीने का, तो मैंने कहा नहीं हम कावा पियेंगे और सब बच्चों को भी मैंने कावा ही दिया था। तो हस्बैंड कह रहे थे कि चले आपका मसला है वेट का, हमारा तो मसला नहीं है, हमें क्यों सज़ा दी जा रही है। तो खैर मैंने कहा हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ये कहानी है। तो बच्चों ने भी कहवा पिया और हस्बैंड ने भी कहवा पिया, फिर बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ने चले गए थे और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय और बच्चों की भी रखी हुई है। बच्चों ने कहा ठंडी होगी तो फिर हम आके पियेंगे और इतना सड़ा हुआ मुँह बनाया इन्होंने जब पिया, क्योंकि पहली बार इन्होंने पिया था, मैं तो अक्सर पीती रहती हूँ। बस फिर ये रात का टाइम है और रात में मैंने बना लिया था केक, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी और बच्चों के सामने मैंने इसीलिए नहीं बनाया कि वो पूछते रहते हैं मम्मा कब बनेगा कब बनेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अकेले में सारा काम करूं, वरना कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ भूल जाती हूं या मैं कोई चीज़ डबल डाल देती हूं। स्पेशली अनमता और अनाबिया तो बिल्कुल मेरे पास आके खड़े रहते हैं, मम्मा आप क्या कर रही हैं, अब क्या करेंगी, कितनी देर में बनेगा। तो बस मैं वेट कर रही थी कि ये बच्चे सोएं तो फिर मैं यहाँ पे केक बना लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा, ये केक बहुत अच्छा बना था और बहुत कम चीज़ें इसमें डली थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, पसंद करने के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा ढेर सारा अपनी दुआओं में याद। तो यहाँ पे ये देखें मैं कर रही हूँ बेक, और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो ये मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो वो देख लीजिएगा। और अगर न्यू रेसिपी देखनी है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ बहुत जल्द इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। सेम उसी तरीके से बना है और ये तकरीबन एक अंडे से मैंने बड़ा प्यारा सा केक बना लिया था और बड़ा अच्छा इसका स्पंज बना था, ये देखें जी। व्लॉग का होता है एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।